नमस्कार दोस्तों, लड़की हो या लड़का, सभी अपने शादी के दिन को लेकर ज्यादा ही खुश रहते हैं। लेकिन एक चिंता उनके मन में हमेशा रहती है कि यदि अगर शादी पे बारिश हो जाए तो क्या होगा। सभी संबंधित को परेशानी भी होती है और बारात वालों को भी। शादी में जो भी डेकोरेट किया गया होता है उन चीजों की भी परेशानी होती है। लेकिन कुछ बातें ये भी है कि संस्कृति में कहा जाता है कि बारिश होना शादी में शुभ माना जाता है, क्योंकि बारिश होने से सभी जगह की सफाई हो जाती है। आज जानिए इस वीडियो के दौरान कि यदि आपकी शादी में बारिश होती है तो क्या होता है। जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आने लगती है तो सभी लोग अपने मौसम के हाल को जानने के लिए लग जाते हैं कि मौसम का हाल उस दिन कैसा रहेगा। यदि अगर बारिश हो जाती है तो उस दिन कैसे वह अपने सामान को किस तरह से रखें ताकि बारिश होने पर भी उनका कोई नुकसान ना हो। सबसे ज़्यादा उन्हें बारिश आफत लगती है। कहते हैं यदि बारिश शादी में हो जाए तो उस दिन आपके घर में वृद्धि आने के आसार होते हैं। नंबर दो, शादी का दिन हर लड़का या लड़की के लिए खुशी भरा ही होता है। कहते हैं शादी का दिन नई खुशियां लेकर आता है, नए उत्सव होते हैं, नई जिम्मेदारी भी होती है, नई प्रकार की जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है हमारी शादी का संसार। लेकिन कहते हैं यदि बारिश हो जाए शादी में तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बारिश शादी में आपको समृद्धि के साथ साथ धन की भी लाभकारी बताई गई है। बारिश फलदायी होती है। कहते हैं जहाँ पर सूखा होता है, जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता, बारिश के कारण वहाँ पानी मिल जाता है, फसलें लहराती हैं, तो यह अच्छा शगुन माना जाता है कि आने वाला या आने वाली हमारी जिंदगी में नई खुशियाँ और नई उत्सव लेकर आएगा, इसलिए भी बारिश को फलदायी माना जाता है। बारिश कई चीज़ों का प्रतीक है। कहते हैं यदि आपकी शादी पर महत्वपूर्ण दिन पर बारिश हो जाए तो आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आता है, एकता का संकेत है और आपके परिवार का बढ़ने का भी संकेत माना जाता है बारिश को। बारिश के दिन सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं, परिवार में सम्मिलित होते हैं, एक जगह बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी बातों को शेयर भी करते हैं, तो इसलिए भी बारिश को अच्छा शगुन माना जाता है शादी में। आशा और आशीर्वाद भी लेकर आती है बारिश। कहते हैं सभी दूल्हा हो या दुल्हन हो, सभी को आशीर्वाद चाहिए, तो आशीर्वाद बारिश के साथ ही समृद्धि के साथ साथ धन और सभी प्रकार की चीज़ों का भी प्रतीक माना जाता है बारिश को। शादी के दिन पर यदि बारिश हो जाए तो बल्ले ही बल्ले है आपकी नई जिंदगी की शुरुआत। लड़का हो या लड़की, शादी के बाद सभी की नई जिंदगी होती है, नया परिवार होता है, नई खुशियाँ होती हैं, नया उत्सव होता है, तो इसमें अगर बारिश हो जाए तो उससे तो और भी बढ़िया हो जाता है। कहा जाता है यदि शादी पर बारिश हो जाए तो जिंदगी भर तक के लिए भर जाती है, इसलिए कहा जाता है कि बारिश का होना शादी में शुभ माना गया है। तो ये थे वे कारण। अगर आपकी शादी में भी बारिश हो जाए तो शगुन बहुत अच्छा है और आपकी शादी बहुत ही खुशहाली ही बीतेगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।